हाँ तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? S माइनस टी इज इक्वल टू 3, देन S अपॉन 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। यही है क्या? ओके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी आई थिंक सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो क्या रहा है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो तो लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लाइन में दी हुई है और इसकी डिग्री 1 है, बट इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम यहीं के यहीं डाल लेते हैं इसको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फिर लिख लिया लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब ये फ्रैक्शनल में है तो इसको अरेंज करके हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो वही सबसे पहले लिखा अरेंज इक्वेशन सेकंड इन लीनियर फॉर्म। कैसा अरेंज करेंगे? लीनियर फॉर्म में। 3 और 2 का एलसीएम लिया, सबसे पहले तो आया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब इस 3 का इस 6 में डिवाइड करेंगे, जो कि हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। 3 का 6 में डिवाइड दिया, 2 आया, उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐसा आया। इस 2 का इस 6 में जो काम इधर किया था वही काम इसमें करेंगे, 2 का 6 में डिवाइड तो 3 आया, 3 का ऊपर टी में मल्टीप्लाई किया तो 3t आया, और 6 का 6 रहा। जब भी बीच में इज इक्वल टू होगा, एक साइड फ्रैक्शन होगा, एक साइड फ्रैक्शन नहीं होगा। एक और बात सुन लीजिए, जब भी बीच में इज इक्वल टू लगा होगा, लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन होगा एंड राइट हैंड साइड फ्रैक्शन नहीं होगा, या फिर फ्रैक्शन होगा भी तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसके अपॉन में 1 माना, ये इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, देन 2s प्लस 3t में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही का y आएगा, और 6 का 6 में करेंगे तो 36 आएगा। ये आ गई अब हमारी इक्वेशन सेकंड। इस वाली इक्वेशन को अब हमें इस वाली इक्वेशन से कोई भी मतलब नहीं है, ये वाली फर्स्ट और अब हमारी ये वाली है सेकंड। देन s माइनस t इज इक्वल टू 3, s माइनस t इज इक्वल टू 3 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन दोनों को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन पहले लेंगे जिसमें वेरिएबल अकेला होगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में s अकेला है तो हम s फर्स्ट इक्वेशन को पहले लेंगे। तो लिखा टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्टली s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s को इधर ही छोड़ा, देन 3 प्लस टी, क्या आ गया ये हमारे पास? ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन थर्ड यानी एस की जगह पे 3 प्लस टी इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट से लिया था सेकंड में रखेंगे। पुटिंग एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में हम एस की जगह पे 3 प्लस टी रखेंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, 2 की जगह पे लिख दिया मैंने 2, s की जगह पे लिखा 3 प्लस टी,
देन प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई किया 2 3 6, 2 का टी में किया 2t, प्लस का 3t का 3t, वैसे ही का वैसा छोड़ा, देन 36 का 36। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। सेपरेट कर लिया हमने लाइक टर्म्स को, 2t प्लस 3t इधर ही छोड़ दिया, 36 और ये वाला 6 इस साइड आ गया, तो आ गया ये 30। 2t प्लस 3t 5t। होगा क्या बेटा, ये 2t में 6 एड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसका एक रीजन है, इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, ये दोनों के पास सेम वेरिएबल है, इसलिए ये यही छोड़े जाएंगे और विदाउट वेरिएबल इस साइड ले आएंगे। देन t इधर छोड़ दिया, ये 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है, काटने पे कितना आ गया 6। देन टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब ये टी की वैल्यू 6 हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस, और आई थिंक 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। आंसर में क्या मिल गया हमें, s इज इक्वल टू 9, देन t इज इक्वल टू 6। नोट करिए, नोट कीजिए।